हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन एकेडमी। आप देख रहे हैं द प्लेटफॉर्म सीरीज़ की रीजनिंग। आज हम जिसका 11th पार्ट देखने वाले हैं, 30 प्रश्न हम इसमें कवर करेंगे 2700 से लगाकर 2730 तक। ग्रुप डी और सीबीटी एग्ज़ाम के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अपने डाउट जो है वो टेलीग्राम की इस लिंक पर जुड़कर आप पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आज का पहला प्रश्न देखा जाए तो 2701 में कहा गया है कि FOG को किसी निश्चित कोड में अगर ये लिखा जाता है तो उसी कोड में HEN को क्या लिखा जाएगा। देखिए, FOG को आपको कहा गया है कि ENF लिखा गया है तो HEN को क्या कहा जाएगा, बस यही कहा है। देखिए, बहुत इजी है। E और F के बीच में अगर संबंध देखें तो E से F के लिए आपको -1 करना पड़ेगा, N से O के लिए -1 करना पड़ेगा और F से G के लिए भी -1 करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पीछे वाले नंबर से आगे आ रहे हैं। अगर आगे से पीछे जाते तो हम प्लस करते, ठीक है। चलिए, H से तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, H, E और N के जस्ट पहले क्या आता है, बस उनका नाम होना है। तो H से पहले आता है G और E से पहले आता है D, M से N से पहले आता है M, इसलिए G D M आपका करेक्ट आंसर A वाला लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2702, निम्नलिखित उपयुक्त वेन आरेख में से आपको चुनना है कि जो निम्नलिखित है उनमें से क्या अलग है या क्या समानता है, ठीक है। तो पेन, कंप्यूटर और पेपर, इन तीनों में अगर कोई संबंध आप देखें तो पेन, कंप्यूटर और पेपर में कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपका ए वाला करेक्ट लग रहा है। कि पेन मान लीजिए मैं इसको मानता हूँ, कंप्यूटर मान लीजिए मैं इसको मानता हूँ, तो आप पेपर जो है वो इसको अगर मानते हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2703, प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों को कौन सी उत्तर आकृति बनती है। देखिए, यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दे रखी है, इन तीनों चीज़ों से, एक स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है और एक यहाँ पे 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो इस तीनों से बनने वाली नीचे आकृति बतानी है। तो बी वाली अगर आप आकृति देखेंगे तो तीनों इसमें यूज़ नहीं हो रहे तो गलत, सी वाली से भी यूज़ नहीं हो रहे तो गलत, डी वाली में ये वाली आकृति अगर आप देखेंगे तो एक अलग एक्स्ट्रा दे रखी है, इसलिए ये वाला भी गलत, ए वाला बच रहा है, तो बस ए वाला ही करेक्ट होना है, ठीक है। स्क्वायर जिसमें बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री वाला और ये छोटा त्रिभुज है यहाँ पर, ये बन रहा है, ठीक है। तो तीनों बन रहे हैं इसलिए आपका ए वाला करेक्ट, मतलब आपका सी वाला भी करेक्ट, तो 2703 का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि कथनों को पढ़े और उन निष्कर्ष का चयन करें जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करते हैं। माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना या करवाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छी शिक्षा केवल उच्च स्कूलों पर प्रदान की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर आप सामने दिख रहा है कि सेकंड वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि अच्छी शिक्षा उच्च शुल्क पर प्रदान नहीं की जा सकती। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा कि माता पिता अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क भी प्रदान कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए केवल फर्स्ट वाला करेक्ट होगा और फर्स्ट वाला करेक्ट मतलब ए वाला करेक्ट होगा, केवल फर्स्ट वाला अनुसरण करता है। 2705 दे रखा है कि इस श्रृंखला का अगला पद बताना है। तो देखिए, 3L फिर 12, फिर यहाँ दे रखा 9N 14, फिर दे रखा है 27P 16। तो देखिए, इनमें क्या संबंध है, 3 से 9 के लिए मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, 9 से 27 के लिए भी मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 27 में भी आप 3 का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 81। L से अगर मैं N पर बढ़ूँ तो देखिए, L M N मतलब मुझे 2 प्लस करना है, N से अगर मैं P पर बढ़ूँ तो यहाँ भी मुझे 2 प्लस करना है, तो P से अगर मैं 2 प्लस करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर P से अगर मैं 2 प्लस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ दे रखा है आपका 12, 14 और 16, तो 12 से 2 प्लस करूँगा तो 14 और 14 से 2 प्लस करूँगा तो 16, मतलब 16 से अगर मैंने 2 प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 18, तो 81, R 18, मतलब ये देखिए डी वाला आपका करेक्ट लग रहा है, 81, R और 18, ठीक है। 2706 पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित को पढ़े और निर्णय लेके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त होगा। N का आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। देखिए, एन स्क्वायर माइनस 20N प्लस 100 इज इक्वल टू 0, और सेकंड वाले में कहा है एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2N प्लस 5। तो आप यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में कथन में कि एक्स भी है, वाई भी है और एन भी है। यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू पता नहीं है, बिल्कुल पुट कहीं भी दी हुई नहीं है, ठीक है। तो आप n की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि ये भी तो रहेंगे साथ में बोनस, ठीक है। तो आप इससे नहीं निकाल सकते n की वैल्यू। अब अगर यहाँ देखिए, फर्स्ट वाली समीकरण से मैं करने की कोशिश करूँगा, एन स्क्वायर प्लस माइनस दे रखा है,
एन स्क्वायर माइनस 20 n प्लस 100 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वर्ग समीकरण अगर आपने 10th में अगर सोल्व की हो 9th 10th में, तो यहां पर हम कर सकते हैं कि ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका योग या घटाव, मतलब इन दोनों का जोड़ या घटाव जो है वो 20 आना चाहिए और उन दोनों का गुणा जो होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। मतलब देखिए, मैं ऐसी दो संख्या लेता हूँ 10 और 10। ठीक है, 10 में 10 का गुणा 100 और 10 में 10 का गुणा करूंगा तो सॉरी 10 में 10 को जोड़ूंगा तो 20 आ जाएगा। तो देखिए, एन स्क्वायर माइनस को मैंने कॉमन लिया बाहर, 20 को मैंने क्या लिखा, 10 n प्लस 10 n। ठीक है, n था इसलिए मैंने दोनों जगह 10 n 10 n कर दिया। अब प्लस 100 इक्वल टू जीरो। अब देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो माइनस का 10 n, फिर से माइनस का 10 n और फिर 100 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ आगे के दो पद में से आप n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 10 बचेगा, पीछे के पद में से आप माइनस का 10 कॉमन लेना, देखिए माइनस का 10 कॉमन लेना, माइनस भी लिया है साथ में, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए n बचेगा और n के साथ माइनस 10 बचेगा। ठीक है, इस प्लस को मैं दो बार अगर माइनस लिखता हूँ तो एक कॉमन बाहर आ गया, एक अंदर बचा है, इज इक्वल टू जीरो है। तो देखिए, एन माइनस 10 इक्वल टू जीरो और एन माइनस 10 इक्वल टू जीरो, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, दो बार 10 आ गई। ठीक है, तो n की वैल्यू आपने किससे निकाल ली, फर्स्ट से निकाल ली, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी वाला, केवल कथन फर्स्ट वाला जो है वो पर्याप्त है। चलिए 2707 पर बढ़ते हैं, आकृति का चयन करना है जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करती है। तो देखिए, आपको यहां पर एक चीज तो दिख रही होगी कि लास्ट वाले जो यहां एफ दे रखा है वो एफ यहां पर फर्स्ट में चला गया है और बाकी का जो तीनों चीज है वो सेम का सेम है। ठीक है, इसी प्रकार यहां लास्ट वाली की अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर ये लास्ट वाला था, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसी है, कैसे, यहां पर ये वाली आकृति और ये वाली आकृति और ऐसे की ऐसी ये वाली आकृति और ये वाली आकृति बिल्कुल सेम है, बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो हल्का सा इसमें थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, वो दोनों जस्ट ऊपर नीचे थी और यहां पर ये बीच में आ गई है ना, तो इन दोनों में अगर अंतर है तो ये दोनों सेम होगी और ये दोनों सेम होगी तो ऐसी आकृति यहां भी बनेगी। ठीक है, पर बनेगी कैसे अब ये बता देता हूं। यहां अगर आप देखें तो ये वाली आकृति फर्स्ट में और बाकी पूरा की पूरा सेम है। इसी प्रकार यहां पर सबसे पहले जो लास्ट में है वो आ जाएगा, मतलब तीन लाइन जो है दे रखी है वो आ जाएगी, उसके बाद ये पूरा सेम रहेगा तो मतलब ये वाली आकृति रहेगी, फिर दो बार एफ रहेगा। और ऐसी आकृति आपको कहीं दिख रही है तो बताइए, तो देखिए यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में ही दिख रही है, डी वाली आकृति में आपको दिख रही होगी तीन लाइन फिर ये और डबल एफ। ठीक है, उल्टा जो डबल एफ, तो डी वाली आकृति अगर आपकी करेक्ट हो रही है मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 2708 पर बढ़ते हैं, दिया गया आकृति का जल प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए, जल प्रतिबिंब मैंने आपको बताया है पहले कि जब भी जल प्रतिबिंब बनता है तो जो सबसे जल के निकट होता है वो जस्ट जल के यहाँ पास होता है। ठीक है, ऐसा कि ऐसा हमारा दर्पण प्रतिबिंब में भी होता है बट उसका और इसका थोड़ा सा अंतर होता है, और वो अंतर क्या होता है मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अगर ये वाला ऐसा सर्कल बना हुआ है तो ये सर्कल यहाँ सेम बनेगा, उसके बाद अगर यहाँ से कोई लाइन जा रही है तो वो लाइन बिल्कुल सेम जाएगी। ठीक है, ये, और उसके बाद यहाँ पर अगर एक ऐसा करके सर्कल बना हुआ है बीच में ये है लाइन है तो बिल्कुल ये बनेगा आपका जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो अगर ये जल प्रतिबिंब बना तो ऐसा जल प्रतिबिंब अगर आप देखें तो बी सी और डी में नहीं है, सिर्फ ए वाले में है, ए वाली आकृति करेक्ट हो रही है मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आया समझ में? चलिए 2709 पर बढ़ते हैं, विषम की पहचान करनी है। यहाँ पर ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ये यहाँ पर इस साइड जा रहा है और ये यहाँ पर इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है, एक होता है घड़ी की दिशा में, दूसरा होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, सुइयों का जो घूमना होता है, तो देखिए ये विपरीत दिशा में घूम रहा है, ये विपरीत दिशा में घूम रहा है और ये भी विपरीत दिशा में घूम रहा है, बट ये जो है सी वाला ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, और अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है मतलब यही विषम है, इसलिए सी करेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर भी सी करेक्ट हो रहा है। चलिए 10 पर बढ़ते हैं, 2710, फिर से आपको क्या करना है, तर्कसंगत रूप से जो अनुसरण करता है आपको बताना है। तो सभी प्रोटीन अंगूर है, देखिए यहाँ आप देखिएगा क्या कहा है कि सारे के सारे प्रोटीन जो है वो अंगूर है, और फिर आगे कहा गया है कि सभी अंगूर गुच्छे है, सारे के सारे अंगूर जो है वो क्या है, गुच्छे है, लिख दिया मैंने गुच्छे। अब निष्कर्ष देखिए, सभी गुच्छे अंगूर है, क्या सारे के सारे गुच्छे जो है वो अंगूर है, तो नहीं, फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। ठीक है, फिर सेकंड दिया हुआ है कि सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, क्या सारे के सारे प्रोटीन जो है वो गुच्छे हैं, तो जी बिल्कुल, केवल सेकंड वाला करेक्ट हो रहा है, इसलिए आपका सी वाला करेक्ट होगा, केवल सेकंड वाला अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2711, उपरोक्त चित्र में कितने त्रिभुज है काउंट करने हैं, तो जब सबसे पहले जो छोटे त्रिभुज है उनको काउंट कर लीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मैंने कैसे ये वाले को लिया है, ये वाले, या फिर एक काम कीजिए आप यहाँ पर थोड़ा सा और वो कर सकते हैं,
सेवन एट नाइन एंड टेन, कितने हो चुके हैं? टेन हो चुके हैं। अब देखिए टेन हो चुके हैं, अब टू और बता देता हूँ मैं सिंपल से जो छोटे छोटे हैं। सेवन प्लस एट से बनने वाला एक और नाइन प्लस टेन से बनने वाला एक, ठीक है। टू और प्लस कर दिए, टेन प्लस टू। अब उसके बाद इन दोनों लाइन को मैं हटा देता हूँ, हल्का सा यहाँ से मैं पेन चेंज करूँगा और आपको बताऊँगा कि इनके अलावा जो बनने वाले हैं, जैसे कि एक बनने वाला है ये फाइव प्लस सिक्स से, ऐसे कैसे यहाँ थ्री प्लस फोर से, ऐसे ही बनेगा यहाँ वन प्लस टू से, ठीक है, बड़ा बड़ा बन रहा है ना। और यहाँ पर बनेगा ये सिक्स से, सेवन एट और नाइन टेन से, मतलब फोर और बन चुके हैं, मतलब फोर और प्लस कर दिए। हल्का सा और पेन चेंज करूँगा और चार और बन रहे हैं, वो अब मैं आपको बताऊँगा। देखिए एक बन रहा है ये वाला थ्री फोर फाइव सिक्स से, ठीक है। इसी प्रकार चारों तरफ से बनेंगे। देखिए एक यहाँ ये वन टू थ्री फोर से बनेगा ये वाला। इसी प्रकार देखिए इन दोनों को रहने देते हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ से मैं एक बार और हल्का सा पेन चेंज करके आपको बताना चाहूँगा, येलो ले लेता हूँ, कि आपने दो ले लिए हैं। अब ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को ले लीजिए, एक बन गया। और यहाँ पर एक और बच रहा है, वो कौन सा बच रहा है? देखिए यहाँ से ये हो चुका है, ये हो चुका है, तो यहाँ बच रहा है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ से चार मैंने और बना दिए, तो देखिए प्लस फोर और कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके आप काउंट कीजिए कितने हो रहे हैं। देखिए दस दो बारह, बारह और आठ कितने होते हैं? तो बारह और आठ होते हैं बीस, मतलब आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया? बी वाला बीस, ठीक है। बीस मैंने आपको यहाँ गिन के दिखा दिए, और भी हो तो आप गिन सकते हैं, मतलब मैं इस डायग्राम की नहीं, मैं दूसरे डायग्राम की बात कर रहा हूँ, कि जितने भी आपके ऐसे डायग्राम आ जाए आप उसमें काउंट कर सकते हैं। 2712 पर चलते हैं। आपको प्रश्न दिया हुआ है और आपको निर्णय लेना है कि कौन सा कथन जो है पर्याप्त होगा। चलिए, विभिन्न आकार व रंगों की 10 गेंदे हैं, हरी पीली नीली लाल और गुलाबी, ठीक है। वन टू थ्री फोर और फाइव, फाइव कलर है और आपको कहा है 10 गेंद है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है कथन में? फर्स्ट में तीन लाल गेंदे दो हरी गेंदों से बड़ी है। देखिए तीन लाल गेंदे दो हरी गेंदों से क्या है? बड़ी है, लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट सेकेंड है, दो गुलाबी गेंदे हैं जो सबसे छोटी है। देखिए सबसे छोटी है इसलिए दो गुलाबी गेंदे हैं, ठीक है, लास्ट में लिख दिया मैंने। अब देखिए आगे थर्ड, दो नीली गेंदे सबसे बड़ी है। देखिए दो नीली गेंदे भैया और वो सबसे बड़ी है, इसलिए मैंने सबसे ऊपर लिख दिया। हरी पीली से बड़ी है, देखिए क्या कहा है कि हरी जो है वो पीली से बड़ी है, तो ये पीली से बड़ी है लिख दिया। अब देख लीजिए दो तीन पाँच दो सात दो नौ, मतलब कितनी बची? एक बची, इसलिए मैंने एक लिख दिया। टोटल हो गई मेरी 10 गेंद, पांच कलर थे, पांच कलर भी हो चुके हैं, सबसे बड़ी नीली सबसे छोटी गुलाबी, पूरा पता भी चल चुका है। और पता किससे चला हमें? इन चारों कथन से, चारों कथन से चला, मतलब आपका करेक्ट आंसर सी वाला, सभी कथन एक साथ पर्याप्त है, ठीक है। चलिए 2713 देखते हैं। लाइम को एक कोड में ये लिखा जाता है, तो ऑरेंज का कोड क्या होगा? देखिए एल आई एम और ई। अब अगर मैं बात करूं तो लाइम को क्या लिखा गया है? 12 9 1 3 और 5 लिखा गया है। तो देखिए 12 9 1 3 और 5, ठीक है। पढ़ा मैंने क्या, लिखा मैंने क्या, आप ध्यानपूर्वक देखना। आप एल जो है वो उसका स्थानीय मान होता है 12, आई होता है 9 पे, एम होता है 13 पे और ई होता है 5 पे, ठीक है। स्थानीय मान लिखे हैं सिर्फ मैंने। ओ आर ए एन जी और ई, ऑरेंज लिखा हुआ है, तो बस लिख दीजिए ऑरेंज का भी स्थानीय मान, आपको कुछ नहीं करना है, बस स्थानीय मान ही तो लिखना है। तो अगर मैं इसके स्थानीय मान की बात करूँ तो ऑरेंज का क्या आ जाएगा? ओ आता है आपका 15 पर, आर की अगर बात करूँ आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, उसके बाद ये शायद एन लिखा है, हाँ एन लिखा हुआ, मतलब ये आ जाएगा आपका 14 पर, जी लिखा है मतलब 7 पर और ई लिखा है मतलब 5 पर, ठीक है। 15 18 फिर आ जाएगा 11 47 और 5, तो देखिए 11 47 और 5, मतलब ये देखिए 15 18 11 47 5, करेक्ट आंसर ये सी वाला हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 2714। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि पुष्कर ने अपनी भाषा 7:49 और 31 सेकेंड PM पर शुरू की और गंतव्य पर 9:59 और 42 PM पर पहुंच गया। देखिए भाषा लिखा है, मुझे लगता है यह यात्रा होगा, कि पुष्कर ने अपनी यात्रा जो है इतनी बजे शुरू की और गंतव्य, मतलब लास्ट जो उसका अपडेट था, मतलब लास्ट जहां उसे पहुंचना था वहां पहुंचा वो कितनी बजे? 9:59 पर और 42 सेकेंड पर। रोनित एक और लड़का है, रोनित ने अपनी यात्रा पुष्कर के 58:40 बाद आरंभ की। देखिए यहाँ पर रोनित का टाइम दिया हुआ नहीं है, बट उससे कितनी देर बाद की ये दिया हुआ है, ठीक है। और कहा है कि गंतव्य पर उसके 51:39 बाद पहुँचा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा
लेवल से करेंगे, अच्छे बिल्कुल समझ के करेंगे। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं पुष्कर की बात। पुष्कर ने चलना कितने बजे स्टार्ट किया? 7:49 और 31 सेकंड पर स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद रोनित ने कितने समय बाद चालू किया भैया चलना? तो 58 मिनट और 40 सेकंड के बाद उसने चलना प्रारंभ किया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो रोनित कितने बजे निकला ये पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको तो रोनित ने कितनी अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की ये बताना है ना। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 41 और 31 को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 71, और यहाँ इनको जोड़ते हैं तो आ जाएगा आपका 7 और 01, ठीक है, 107 आ जाएगा और यहाँ 7 ही बचेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको पता है 60 सेकेंड होते हैं, 60 मिनट, मतलब 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो यहाँ 60 60 माइनस कर दीजिए तो 71 में से अगर 60 जाएगा तो कितना बचेगा भैया? 11 बचेगा। अब मैंने 60 माइनस कर दिया मतलब यहाँ 7 से क्या हो जाएगा? अब 8 हो जाएगा। क्यों किया 8 पता चला ना, क्योंकि वहाँ से 60 को मैंने माइनस किया है। 60 माइनस क्यों किया है? क्योंकि 60 सेकेंड से क्या होता है? 1 मिनट बनता है। तो 1 मिनट मैंने इधर जोड़ दिया, 7 था तो मैंने 8 लिख दिया। तो यहाँ पर अब 108 हो चुका है। अब 108 में से भी मैं 60 माइनस कर दूंगा, 60 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा भैया? 48 आ जाएगा। तो 60 माइनस किया तो 60 मिनट का 1 घंटा बनता है ना, तो 7 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? 8। मतलब चलना कितने बजे स्टार्ट किया, मैं यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ, 8:48 और 11 सेकेंड पर उसने चलना प्रारंभ किया, ठीक है। आगे उसने कहा है कि पहुंचने की यात्रा मतलब गंतव्य की बात हो रही है, 9:59 और 42 सेकंड पर वह पहुंच जाता है, और उसके कितने 51 मिनट और 39 सेकंड के बाद वह पहुंचता है। मतलब देखिए 51 मिनट और 39 सेकंड के बाद कौन पहुंच रहा है? रोनित पहुंच रहा है। तो इन दोनों को भी जोड़ दीजिए, तो आप यहाँ अगर इनको जोड़ते हैं तो 42 और 39 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। यहाँ पर 59 और 51 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये 11, ठीक है, 110 हो जाएगा। और यहाँ इनको जोड़ते हैं ये तो 9 का 9 रहेगा। अब ये देख लीजिए इसमें से भी 60 को माइनस करना है तो 81 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 21 बचेगा, ठीक है। और 60 गया तो यहाँ एक बढ़ेगा ना, क्योंकि 60 सेकंड से 1 मिनट होता है, तो यहाँ भैया 0 हट गया और 1 लग गया, ठीक है, 110 था तो 111 हो गया। अब 111 में से भी आप 60 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ 111 में से 60 को माइनस करेंगे तो 51 बचेगा, और 60 अगर मैंने मिनट माइनस किए हैं मतलब यहाँ 9 की जगह क्या हो जाएगा आप 10, तो ये कितना हो गया? देखिए 10:51 और 21 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब आपको तो इन दोनों के बीच का टाइम पता करना है तो बस बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए। तो देखिए ऊपर वाले को मैं नीचे लिख देता हूँ, 8:48 और 11 सेकेंड, ठीक है, घटाने का ये एक क्रम होता है। तो अब इसको इसके माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देखिए 21 में से 11 गया तो आपको पता है 10 आएगा, यहाँ 51 में से 48 गया तो 3 आएगा, और यहाँ 10 में से 8 गया तो 2, मतलब 2 घंटे 3 मिनट और 10 सेकेंड, ये बी वाला आपका करेक्ट है, 2 घंटे 3 मिनट और 10 सेकेंड, ठीक है। चलिए 2715 पर बढ़ते हैं। दो तर्कों के साथ एक प्रश्न दिया गया है, निर्णय लेना है आपको कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। क्या सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक तरीका है जिसे हम ऊर्जा प्राप्त करने में जो है यूज करते हैं? देखिए आपको तर्क में कहा है कि हाँ यह अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करेगा। सेकेंड में कहा है नहीं ये आम जनता के लिए सस्ता नहीं है, यह सस्ती नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये सेकंड वाला आपको डेफिनेटली गलत लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाला ही करेक्ट है कि हाँ यह प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करेगा। ना भैया ऊर्जा एक वैकल्पिक तरीका है और हम उसे प्राप्त करने के लिए जो मतलब प्राप्त क्या कहेंगे उसे हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट होगा, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। और केवल फर्स्ट वाला मतलब आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, ठीक है। 2716 देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पैटर्न निम्न पैटर्न से मेल खाता है? तो देखिए आपको बस ये प्रश्न आकृति को देखना है, यहाँ अगर आप देखें तो एक त्रिभुज दे रखा है और यहाँ लास्ट में आपको एक साइड एक बॉक्स दे रखा है। अब मैंने बॉक्स क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर तो लिख यहाँ पर तो आपको दिख रहा है आयत, बट नीचे ऑप्शन में हो गया है वो वर्ग, इसलिए मैंने बॉक्स कहा है, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद। तो यहाँ एक त्रिभुज होना चाहिए और एक होना चाहिए यहाँ पर बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, और जस्ट अगर इसके जैसा ही लगना चाहिए तो देखिए ए वाला ही कोई बुरा नहीं है भैया, बिल्कुल सही है, ठीक है, ए वाले में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कहा है, इसलिए आपका ए वाला ही करेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ बॉक्स भी है और त्रिभुज भी है और बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ए वाला करेक्ट हो रहा है मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि यहाँ आयत है, यहाँ वर्ग है, बाकी आएगा ए वाला। चलिए 2716 पर बढ़ते हैं कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित शब्दों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? लिखना बोलना और संचार, लिखना बोलना और संचार, तो संचार के दो रूप लिखना और बोलना, तो भैया संचार सी मतलब संचार को मान लीजिए सी, ठीक है, और ए को मान लीजिए लिखना और बी को मान लीजिए आप बोलना,
तो ये हो गया संचार के दो साधन, लिखना और बोलना। हो गया सी डी वाला करेक्ट, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 1700 सॉरी 2718 की बात करते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? देखिए 15HF और यहाँ लिखा हुआ है 13LJ, ठीक है। तो 15 यहाँ प्लस किया तो 30 आया, 15 और प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 45, क्योंकि सारे ऑप्शन में लगभग 45 दे रखा है, HF दे रखा है। देखिए HF, तो F के बाद क्या आ जाता है आपका, H हो चुका है, F हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सॉरी एफ बोल रहा हूँ मैं, आगे नहीं नीचे चल रहे हैं ना हम, तो 15 से 15 चल रहे हैं। देखिए एच के बाद एल दे रखा है, तो एच के बाद एल दे रखा है मतलब इनमें अगर आप देखें तो प्लस चार का संबंध है, ठीक है। एच के बाद अगर आप प्लस चार करेंगे तो एल पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ भी अगर नीचे भी अगर प्लस चार करें तो एल से प्लस चार करेंगे तो पी पर आ जाएंगे। उसी प्रकार एफ से जे चलें तो यहाँ भी प्लस चार हो रहा है और यहाँ भी प्लस चार हो रहा है, तो जे से भी अगर प्लस चार करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे आप, एन पर, मतलब 45 पी और एन। देखिए ए वाले में ही करेक्ट लग रहा है, 45 पी एन, ठीक है। 2718 का ए करेक्ट होगा। 2719 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति से निकटतम समानता दर्शाता है? देखिए यहाँ पर एक एरो नीचे की तरफ दे रखा है, एरो नीचे की तरफ दे रखा है और जिस प्रकार एरो दे रखा है वहाँ पर सर्कल जो है दूर की तरफ है और यहाँ पर जहाँ एरो नहीं है वहाँ पास की तरफ है। फर्स्ट वाले में तो गलत हो जाएगा, ऐसा है नहीं। इस वाली आकृति में यहाँ एरो आ गया मतलब ये भी गलत, यहाँ दोनों पास पास में मतलब ये भी गलत। देखिए एरो ऊपर की साइड है तो यहाँ सर्कल दूर है और यह पास है, बिल्कुल डी वाला आपका करेक्ट होगा। तो डी वाला अगर करेक्ट हो रहा है तो आपके सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए 2720 देखते हैं कि विषम की पहचान करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि 1 2 3 इसके तीन कोने होते हैं, ठीक है, तीन कोने हैं। तो देखिए तीन यहाँ तीर के निशान, तीन एरो दे रखे हैं, 1 2 3 और 4, इसके चार कोने होते हैं इसलिए चार एरो के निशान है, 1 2 3 और 4, फिर से चार एरो है तो चार कोने हैं तो चार एरो है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कोने हैं बट इसके दो ही एरो है, इसलिए आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा जो कि सबसे विषम है। तो डी वाला करेक्ट हो रहा है मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। देखिए 2i 9l और 16o दे रखा है, देखिए 2i 9l और 16o दे रखा है। यहाँ मुझे 2 से 9 बढ़ने के लिए कितने 7 प्लस करना पड़ेगा, यहाँ भी अगर मैं 7 प्लस करूँ तो 16 पे आ जाऊँगा, तो नेक्स्ट वाले में भी अगर मैं 7 प्लस करूँगा तो मैं आ जाऊँगा ना भैया। देखिए यहाँ अगर 16 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो कितने आ जाएंगे 23 6 6 12 और 1 13। आई से एल के लिए मुझे देखिए यहाँ 3 प्लस करना पड़ रहा है, ठीक है, 3 प्लस करूँगा तो एल पे आ जाऊँगा, एल से अगर मैं 3 प्लस करूँगा तो ओ पर आ जाऊँगा, मतलब ओ से भी अगर मैं 3 प्लस करूँ तो कहाँ आ जाऊँगा भैया, आर पर आ जाऊँगा। तो 23R मतलब आपका करेक्ट आंसर डी वाला लग रहा है, ठीक है। चलिए 23 पर बढ़ते हैं। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इस सवाल को मैंने पता नहीं कितनी बार करवा दिया, मतलब ऐसे सवालों को, और ऐसे सवाल में हम हमेशा फर्स्ट वाले पहले निकालते हैं कि क्या करेक्ट 5 फरवरी 2018 को सचमुच सोमवार था। उसी प्रकार हम निकालते हैं कि 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आप, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, आप दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये लास्ट वाला ही कर देता हूँ ताकि अपना आंसर भी आ जाए। तो इसके लिए हमने एक कोड याद किया है कि 0 33 614 625 035, ठीक है, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह, और मैंने भी पता नहीं कितनी बार आपको ये कोड याद भी करवाया है। तो डायरेक्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा जो सूत्र होता है वो होता है डे प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और डिवाइड होता है 7 से, ठीक है, ये पूरा की पूरा एड होगा और एड होने के बाद 7 से डिवाइड होगा। डे का मतलब, मेरा मतलब है इस तारीख से जो तारीख आपको पूछी है। तो 5 प्लस मंथ कोड की बात हो रही है, फरवरी की बात हो रही है, मतलब देखिए फरवरी का कोड क्या होगा, ये 3 होगा तो 3 लिख दिया, प्लस ईयर, ईयर की बात हो रही है तो देखिए 2009 की बात हो रही है तो 2009 में से कितना माइनस होगा 1900, हर बार हम ऐसा ही करते हैं, 2001 से लगाकर 2099 तक के जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें हम 1900 माइनस करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया है। तो 2009 में से 1900 गया मतलब कितना बचेगा 109, तो यहाँ ईयर की जगह क्या लिख दूंगा 109, और 109 आने के बाद इसमें अगर लीप ईयर निकालना है तो मैं 4 से भाग दूंगा 109 में, तो देखिए 4 2 8 बचा 1, तो यहाँ हो गया 19, मतलब देखिए सॉरी 1 नहीं 2 बचा ना, 4 2 8 और 2 बचा 29 हो गया है, तो यहाँ अगर 6 चौक 24 हो जाएगा तो ये जाएगा 7 चौक 28 मतलब 27, तो यहाँ देखिए प्लस 27 और इन सबको जोड़ने के बाद मैं क्या करूँगा 7 से भाग दे दूंगा। अब जोड़ लीजिए 7 7 14 और 2 16, 16 और 17 18 19 और 5 होते हैं 24 की 4 हासिल आया 2 2 4 और यहाँ 1 144 बटा 7,
सात से अगर मैं इसको कट करूंगा तो 7 2 14 भाग नहीं जाएगा, उसका शून्य लगेगा, मतलब शेषफल कितना बच गया, 4। 4 शेषफल बचा तो आपको पता है ना कि भैया डे कोड में शेषफल 4 जब बचता है तो 1 2 3 4, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और क्या आता है भैया 4 पर, गुरुवार आता है। गुरुवार मतलब क्या होता है, बृहस्पतिवार, ठीक है, गुरुवार को ही तो बृहस्पतिवार कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा गुरुवार बृहस्पतिवार, इसलिए डी वाला करेक्ट। आप ये वाला भी निकाल सकते हैं, 5 फरवरी 2018 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 आपको, टेस्ट की क्षैतिज दर्पण छवि निकालनी। देखिए क्षैतिज दर्पण छवि हमने अभी तक क्वेश्चन में पार्श्व दर्पण छवि निकाला है और यहाँ दे दिया है क्षैतिज दर्पण छवि, मतलब देखिए TEST टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ एक दर्पण है और उसकी आपको यहाँ पर छवि बतानी है, देखिए नीचे की तरफ है, ठीक है, जैसा जल प्रतिबिंब होता है ऐसा। तो देखिए T जो है वो बनेगा बिल्कुल ऐसा, ठीक है, क्योंकि क्षैतिज दर्पण छवि है। ई की अगर मैं बात करूं तो ई सेम रहेगा, एस थोड़ा सा बिगड़ जाएगा और टी बिल्कुल ऐसा उल्टा हो जाएगा। तो ऐसी आकृति अगर आपको कहीं दिख रही है 24 में तो देखिए वो आपको लग रहा होगा सी वाला, देखिए टी बिल्कुल उल्टा है, ई बिल्कुल उल्टा है, एस बिल्कुल उल्टा है और टी भी, यहाँ तो देखिए ये वाली आपकी आकृति और मैंने बनाई बिल्कुल सेम है, मतलब सी वाला करेक्ट हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 पर बढ़ते हैं, फिर से आपको वही तर्क, कौन सा मजबूत है, क्या स्थानीय अस्पतालों द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। तर्क में कहा है कि हाँ इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी, और फिर नहीं यह अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा। तो भैया ये सेकेंड वाला तो गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि टीकाकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है तो हाँ इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, और केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, मतलब आपका केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, ठीक है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 26 पर आते हैं, निम्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, डायरेक्ट बता देता है। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज के जस्ट ऊपर एक सर्कल है, उसी त्रिभुज को नेक्स्ट वाले डायग्राम में आपको उल्टा कर दिया है और वो सर्कल जस्ट उसके नीचे आ चुका है। यहाँ अगर देखेंगे तो त्रिभुज बिल्कुल टेढ़ा है और इसके एक तरफ जहाँ पर ये नुकुला हिस्सा है वहाँ पर सर्कल दे रखा है, मतलब यहाँ भी अगर त्रिभुज में ऐसा बना दूँ और सर्कल यहाँ लगा दूँ तो मेरा करेक्ट आंसर यही होगा। ए वाली आकृति में आप देखिए तो मैंने जो बनाया और वो ए वाली आकृति बिल्कुल सेम है, ए वाली आकृति मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए वाली जो आकृति है वो बी वाला ऑप्शन है। चलिए 27 की मैं बात करता हूँ, टीना होटल लाउंज में रेस्ट रूम को खोजने की कोशिश करती है, वह रिसेप्शन क्षेत्र में जाती है जो पश्चिम में है। देखिए दिशा की बात करते हैं, ये होती है पश्चिम, ठीक है, और ये होती है पूर्व, ऊपर की तरफ होती है उत्तर और नीचे की तरफ होती है दक्षिण। अब मैंने चारों दिशा आज बनाई है, सारी वीडियो में नहीं बनाता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को अब तो याद हो गई होगी, मैंने 2727 प्रश्न करवा दिए हैं। तो वह रिसेप्शन क्षेत्र में जाती है, तो रिसेप्शन क्षेत्र जो है वो पश्चिम में है, देखिए पश्चिम कहाँ है, इस दिशा में, मतलब यहाँ पर कौन है, रिसेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेप्शन है तो वो उसका मुंह इस साइड होगा, क्योंकि वो कुछ पूछ रही है, उसने पूछा कुछ कि भैया मुझे रेस्ट रूम जाना है, रेस्ट रूम कहाँ है, तो रिसेप्शनिस्ट टीना को कुछ गज सीधे वापस जाकर फिर बाएं मुड़ने के लिए कहती है। देखिए क्या कहा कि आप सीधे जाकर बाएं मुड़ जाइए, मतलब देखिए यहाँ से अगर वो सीधे जाएगी तो इस मुँह पर जाएगी, उसका मुँह बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि उल्टे पैर तो नहीं चलेगी वो, तो अगर इसका मुंह इधर हो गया तो उसने कहा भैया कि फिर बाएं मुड़ जाएगी, तो दायां नीचे तरफ होता है, तो बायां कहाँ होगा, इस साइड होगा, इस तरफ क्या है भैया, तो रेस्ट रूम है, उसने यही तो कहा है। तो रेस्ट रूम तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा की ओर जाने के लिए कहा गया, तो ये वाली दिशा की कहा गया, और ये वाली दिशा कौन सी आपको पता है, उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा मतलब सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2728 पर बढ़ते हैं, कूट भाषा में YELL को ये लिखा जाता है, तो TALE को क्या लिखा जाएगा, देखिए YE और डबल L दे रखा है और यहाँ दिया हुआ है 25, 5, 12 एंड 12। देखिए मेरे को ये नंबर याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको ऐसा लिखूँगा YELL और फिर लिखूँगा 25, 5, 12, 12 तो शायद आप लोग कहेंगे कि हाँ ये करेक्ट है, बट आप इससे सीखिए ना, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट तो आपको सारे याद करने हैं कि कौन सा नंबर कहाँ आना है, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ नंबर लिख देता हूँ। वाई जो है वो 25 पर आता है, ई 5 पर आता है, एल 12 पर और एल 12 पर, सभी अपने स्थानीय मान दे रखे हैं, तो टी ए एल और ई दे रखा है यहाँ पर, तो टी ए और एल ई का मान आप नहीं पता कर सकते क्या। देखिए टी जो है टी 20 होता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी जो है वो 20 पर आता होगा। फिर आगे अगर मैं बात करूं ए की तो ये 1 पर आएगा, एल की अगर बात करूं तो 12 पर, और ये आपको पता है 5 पर, तो 20 1 12 5 मतलब सी वाला करेक्ट लग रहा है, 20 1 12 5, ठीक है।
चलिए सी वाला यहाँ करेक्ट हो गया। 29 की बात करते हैं, दिए गए कथन व निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़े और चुने कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। मृणाल के एक मित्र ने कहा कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। देखिए निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, मृणाल चिड़ियाघर गया था, तो जी बिल्कुल गया था, तभी तो वो समय शानदार था। मित्र एक जीव विज्ञानी है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है ना भैया कि उसका मित्र जो है वो एक जीव विज्ञानी हो, वो कुछ भी हो, चिड़ियाघर जाने के लिए ऐसा जरूरी तो नहीं कि जीव विज्ञानी होना चाहिए। तो सेकंड वाला गलत, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट, और केवल फर्स्ट वाला मतलब सी वाला करेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट वाला अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 2730। यदि निम्न पारदर्शी शीट जिस पर वृत्त बने हुए हैं को उसके विकर्ण से मोड़ा जाता है तो दिए गए आकारों में से कौन सा उसके जैसा दिखाई देगा। देखिए अगर मैं इसको इस तरफ मोड़ देता हूँ, आपने बहुत सी बार ऐसे पेज को मोड़ा होगा, तो ये पेज यहाँ से फोल्ड हो जाएगा और ये जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये सर्कल एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर और दूसरा सर्कल तीसरे के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ऐसा होगा, और ये यहाँ पर इधर वाला भाग पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसी आकृति बनेगी। और ऐसी आकृति अगर आपको कहीं दिख रही है तो वो है आपकी फर्स्ट वाली नहीं, सेकेंड वाली नहीं, थर्ड वाली नहीं, फोर्थ वाली, क्योंकि इसके अंदर दो सर्कल बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। तो डी वाली आकृति आपकी करेक्ट हो रही है, मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ में, डी वाली आकृति मतलब बी वाला ऑप्शन। तो ठीक है, आज हमने ये 30 प्रश्न देखे हैं। आई होप वीडियो छोटी है, अच्छी है, पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन की वीडियो मिले। और बाकी तो हमारी वीडियो चली रही है, 2730 प्रश्न हम कर चुके हैं। बहुत जल्द हम इस छोटी छोटी वीडियो को लेकर इस बुक को पूरा सॉल्व करवा देंगे, 3200 जो क्वेश्चन है, और उसके बाद हम जो है कुछ एक टॉपिक लेने वाले हैं, जैसे कि आपको ऐसे क्वेश्चन पे अगर एक वीडियो चाहिए जैसे कि टॉपिक है तो इसके ऊपर हम बनाएंगे, या फिर आपको कैलेंडर पर चाहिए, घड़ी पर चाहिए, जिस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, तो हम उस टॉपिक पर बहुत जल्द वीडियो ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।